हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतिमन। इस वीडियो में हम सी टेट पेपर वन CDB के प्रश्न को हल करेंगे। आपके पास कौन सा प्रश्न पत्र था तो आप क्वेश्चन जो है वो पढ़ के उसका आंसर जो है वो मैच करें कि आप लोगों ने जो है वो 30 में से कितने जो है वो सही किए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल सही और सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। अभिकथन, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो अभिकथन और कारण का था, और यहाँ पर पूछा गया था कथन में कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों, विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो कारण था कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर जो है फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ही सही है, और जो आर है वह ए की जो है वो अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, आप अपने जो है वो प्रश्न पत्र में देखिए कि ये जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, तथ्यों को रटना। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन देख के ही आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे कि तथ्यों को रटना, ये रटने की चीज है वो बिल्कुल गलत है, और यहाँ पर जो है वो समकक्षियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो भी गलत है, यंत्रवत जो है वो याद करना ये भी गलत है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, विविधता जो है वो बहुत अच्छी बात होती है, जो कि सीखने की शैलियों में अगर हो तो, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव बात बोल रहा है। डैश की उपेक्षा की जानी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर इसको जो है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। बच्चे अपने प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, यानी पहले सरल और उसके बाद जो है वो कठिनता की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ तीनों ऑप्शन ही जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, तर्क संगत से अनुभवजन्य गलत, जटिल से सरल गलत, अमूर्त से मूर्त गलत। नेक्स्ट है 5, कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो विचार देते हैं, संगठन देता है, वर्गीकरण देता है, बट प्रासंगीकरण भी देता है। गैर प्रासंगीकरण जो है वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है योगदान नहीं देता है। यहाँ आपको जो भी आंसर बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल आप लोग देखिएगा, जब आपकी आंसर की आएगी ऑफिशियल आंसर की तो वहां आप मैच करिएगा। एक भी प्रश्न जो है वो जिनके आंसर बताए जा रहे हैं वो आप गलत नहीं होंगे। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है और सहज अनुमान लगाने के जो है वो अवसर देने चाहिए। यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अगर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध ही करा देंगे तो फिर वो अपना दिमाग लगाएंगे ही क्यों। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत लाइनें हैं जो पढ़ के ही पता लग रही हैं कि ये गलत हैं। क्वेश्चन 7 है, अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पर बल देती है? एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व में, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर नहीं, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका पर नहीं। तो ये जो है यहाँ पर क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उस पर सबसे ज्यादा बल देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी और संलग्न हो। कथन बिल्कुल सही है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जितने भी CDB में प्रश्न पूछे गए हैं इस शिफ्ट में पेपर वन के, तो यहाँ पर जो है जितने भी कथन और कारण के प्रश्न पूछे गए हैं तो वो बिल्कुल ए और बी दोनों ही लाइनें बिल्कुल सही हैं। कथन और कारण सभी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। आप अभी देखिएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ वाइगोस्की का नाम आते ही आप लोगों को जो है यहाँ पर सहकर्मी सहयोग पियर कोलैबोरेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर टिक कर लेना चाहिए था। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने आप जो है वो बोलता चला जा रहा है, अपने आप से ही बातें करता चला जा रहा है, तो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का जो है वो एक तरीका है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है, तो इसकी जो एज है वो 4 वर्ष है, ये ध्यान में रखना है। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बताना है कि एक बटन जिंदा है और क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है, ये जो है अपर्णा ऐसा बोल रही है, तो बटन को ही वो जिंदा बोल रही है, 4 वर्ष की है, तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो है वो किस स्टेज में आएगी? तो आपको जो है वो पता लग गया होगा कि यहाँ पर वो जीववादी चिंतन ये जो है इसकी
विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने, जिसका ये क्वेश्चन पेपर है, इसने जो है वो सबसे फर्स्ट परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन को लगा दिया है, जो कि सबसे जो है वो सबसे बड़ी और आगे की जो स्टेज होती है। तो ये जो है इसका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर है जीववादी चिंतन। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे परिवार है, ठीक है, उसका आस पड़ोस है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो माध्यमिक संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेव वाइगोस्की का नाम आते ही जो आप सबसे पहले जो है यहाँ पर देखें, कौन सा शब्द जो है लेव वाइगोस्की की थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा, तो भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, यही आप लोगों ने पढ़ा है, यही इसका सही आंसर है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते, परंतु संज्ञानात्मक विकास नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये भी नहीं। इसका सही आंसर जो है वो भाषा विकास जो है, यानी बच्चा जो है वो लैंग्वेज के बाद जो है वो थिंकिंग पर जाता है। लॉरेंस कोहलवर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, तो गुड गर्ल बैड गर्ल, ठीक है, ये वाली जो थ्योरी है आप लोगों ने कोहलवर में जो है उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका सही आंसर होगा पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कथन कारण के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, दोनों लाइनें ही सही हैं, कथन भी सही है कारण भी सही है। शिक्षकों साथियों जैसे अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत, शिक्षार्थियों को उनकी समझ कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, सही है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी फोर ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे चुटकुले पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल है, तो 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरल गिलगिन ने कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, तो आपने कोहलवर की थ्योरी जो है वो पढ़ी, लास्ट में एक लाइन आपने जो है वो बिल्कुल सुनी होगी कि कैरल नाम की एक जो महिला थी उसने कोहलवर की थ्योरी की जो है वो आलोचना की, क्योंकि कोहलवर ने ना तो कोई जो है स्त्री का जो है कहानी जो है उसमें जोड़ी अपनी थ्योरी में, ना ही जो है इनके कोई सैंपल लिए, तो नारीवादी दृष्टिकोण से जो है इसकी आलोचना की। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं उसका आंसर होगा केंद्रीयन सेंट्रेशन। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है, तो उसका आंसर है त्वरण। डिसग्राफिया क्या है, तो बिल्कुल लिखने में जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो वही है डिसग्राफिया, एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ तो ऑटिज्म होना चाहिए। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों आकारों को बनाने में कठिनाई है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ये भाषण विकार या गतियुक्त विकार नहीं है। क्वेश्चन 22 है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहा है तो उन्हें चाहिए कि समावेशी कक्षा का अर्थ ही होता है सभी को जो है वो बिल्कुल समान भाव से देखना, एक साथ जो है वो पढ़ाना, तो पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल सही बात है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, नहीं बाधा नहीं है, बच्चे जो है वो अपनी अपनी जो जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग कोई गांवों से, कोई शहरों से, या कोई अलग अलग भाषाओं से आ रहे हैं, तो एक बाधा नहीं है ये। ठीक है, तो 4 तो जो इसका सही होगा, 1, 2, 3 इसके सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, तो दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान मूर्तिकार के पास में इसकी जो है वो इस बुद्धि की जो है वो मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वो जो परिवर्तित कर देता है किसी भी चीज को। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है, तो बार बार दोहराएगा, आवर्ती व्यवहार जो है वो करता है, स्वलीनता वाला, ऑटिज्म वाला बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, तो स्थूल गतिक कौशल एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना नहीं, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना नहीं, बुनाई करना नहीं, तो यहाँ पर होगा तैरना। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक वृद्धि विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अवरोही और आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर जो है भौतिक बुद्धि वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में 27 देखें, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि वाले मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो इसका आंसर होगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वो धीमी होती है और सोच जो है कुछ हद तक आत्म केंद्रित, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है स्थिर और सोच जो है वो तार्किक। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो आप चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, निम्नलिखित प्रकथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर भी कथन और कारण है। कथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल ये हम जो है वो देखते भी हैं आसपास। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर भी जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जितने भी कथन कारण के जो प्रश्न हमने देखे सभी का आंसर जो है वो यही रहा है कि दोनों ही जो है सही रहे हैं, कथन और कारण और व्याख्या भी इनकी सही की गई है। ठीक है, तो इन 30 में से आपने जो है वो कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 30 में से 30 जो है यहाँ पर गेन करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, प्रश्न जो है वो सीडीपी में काफी अच्छे और सही आए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे ईवीएस का। थैंक यू।